आइए फ्रेंड, गर्मियों के दिनों में बड़े हो या बच्चे फ्रूटी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यही फ्रूटी मैं आपको घर के पर बनाना बता रही हूँ। एकदम मार्केट जैसी फ्रूटी और बिना कोई केमिकल के, बड़े बच्चे आप इसको एक वीक तक आप फ्रीज में रख के पी सकते हैं। तो ये किस तरीके से बनाए हैं आइए देख लेते हैं हमने। ये देखिए, मैंने दो मैंगो ली थी, दो मैंगो में ये कम से कम 4 ग्लास बन चुके हैं। तो कैसी लगी ये मेरी रेसिपी, तो लाइक शेयर करिएगा। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी हमने किस तरीके से बनाए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, देखें ये फ्रूटी बन के रेडी हुई है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? जहाँ भी हो खुश आबाद हो, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ में, आप लोगों को दिख रहा होगा तो आजकल समर है, समर सीजन चल रहा है, गर्मियों का मौसम है। और गर्मियों के मौसम में हमें क्या लगता है, ठंडा ठंडा जूस। तो बड़े और बच्चों का सबका फेवरेट, आइए बनाने जाते हैं फ्रूटी घर के अंदर बिना केमिकल, फ्री बच्चों को हेल्दी बना के दें। और आप यकीन मानिएगा, इसे एक वीक तक का आप घर फ्रिज के अंदर रख भी सकते हैं और आप पियेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कि ये घर का फ्रूटी या माजा है, आप इसका लुक देख के ही आपको पता लगेगा। तो आइए झटपट से मैं आपको समर ड्रिंक बनाना बताती हूँ, माजा मेरे किचन में। चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबा के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड और फैमिली में फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखें, यहाँ पर मैंने ये 1.5 से 1.25 किलो है मैंगो, जिसको मैंने रात भर पानी में भिगा दी थी। कभी भी मैंगो लाके तुरंत ही नहीं काटिएगा, क्योंकि ये केमिकल वगैरह रहते हैं आजकल, तो इसकी एक आज गर्माश रहती है, तो इसको हम रात भर वाटर में रख दी थी मैंने, इसको पानी में। अब मैं इसको निकाली हूँ, देखिए ये बहुत अच्छे से, अब इसको हम छील लेंगे, ठीक है। तो किसको किसको पसंद है तो ज़रूर बताइएगा। इसका थोड़ा कलर लाइट है, अगर आपके पास में ना कलर अगर थोड़ा डार्क वाले दशहरी वगैरह मिले ना तो आप उसका बनाइएगा ज़रूर। तो मुझे अभी मिले नहीं थे, जो मिले मैं ले आई थी कल, तो अगर वो मिलेंगे ना तो मैं वो भी बनाऊंगी। तो इसका भी बहुत ही अच्छा कलर आएगा पकने के बाद में। तो देखिए इस तरीके से हम बहुत ही अच्छे तरीके से आम को छील लेंगे, तो ज़रूर बनाइएगा आप लोग। और कैसी लगी ये मेरी फ्रूटी की रेसिपी, देखिएगा आपके घर में किसी को बोले बिना, आप अगर आपके पास में खाली फ्रूटी की बॉटल होगी ना बाहर वाली, आप उसके अंदर भर के रखिएगा और पीने के बाद में बताइएगा कि ये आपने घर में बनाया है करके, देखिएगा शौक हो जाएंगे सामने कि अरे ये तो बाहर जैसा लग रहा है, आपने कब बनाया। तो ज़रूर ट्राई करिएगा ये मेरी फ्रूटी वाली रेसिपी। यहाँ पर देखिए, मैंगो छिलने के बाद में हम इस तरीके से मैंगो में कट लगा लेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि हमें इसको पीसना ही है, ठीक है ना। इस तरीके से तो पीस के कुछ भी नहीं जाएगा इसमें, एकदम सिंपल सा है, आप बनाएंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। अच्छे से साफ कर लें, और इसके अंदर हम थोड़ा सा खट्टी मीठी होगी तो आप नहीं डालिएगा, अगर खट्टा मीठा थोड़ा रहता है ना तो हम इसके अंदर थोड़ी सी कच्ची कैरी डालेंगे, ज्यादा नहीं, बहुत कम। ये देखिए मैंगो मैंने दोनों भी कट कर ली हूं, अब हम इसको मिक्सी में डाल लेते हैं ये शुगर, ये 5 टेबलस्पून मैं लेऊंगी मैं पूरी शुगर। पहले मैं इसको ग्राइंड करती हूँ, फिर बाद में वापस से हम इसके अंदर शक्कर डालेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक बार ग्राइंड कर ली हूँ, वापस से मैं ये शक्कर डालूंगी। ये मैंने बड़े स्पून से 5 स्पून ली हूँ, क्योंकि आम थोड़े खट्टे मीठे हैं तो मैं इसके अंदर कच्ची कैरी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आपके दशहरी फुल मीठे आम होंगे तो आप इसके अंदर थोड़ी सी कच्ची कैरी ज़रूर डालिएगा खट्टा मीठा फ्लेवर के। ये देखें आप लोग, माशाल्लाह कोई कलर वगैरह नहीं डाले लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत ही प्यारा कलर आया है, एकदम नेचुरल। मुझे तो लगा था कि नहीं आएगा, लेकिन माशाल्लाह जैसा चाहिए वैसा ही प्यारा इसके अंदर कलर आया है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर मिक्सी में थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, ये देखें थोड़ा सा मैं पानी डाल के, और इसको अच्छे से इस तरीके से हम चाहिए, देखें ये बस ये मिक्सी धो के जो ये मैंने पानी डाली हूँ इसको अभी हम आइए गैस के ऊपर सिर्फ 3 से 4 मिनट इसको हमको पकाना है बस। तो आइए इसको गैस पर रखिए, गैस ऑन कर देते हैं। बिस्मिल्लाह, गैस को मैंने ऑन कर दी हूँ, और आपको इसको छोड़ना नहीं है नहीं तो ये नीचे लग जाएगा, ठीक है। इसको 5 मिनट हमको अच्छे से पका लेना है जो हमने इसके अंदर शक्कर डाले हैं, और इसको आप एक वीक तक का फ्रीज में रख के एंजॉय करें फ्रूटी को। ये बड़े बच्चे मेहमान आपके यहाँ जो भी आए गर्मी के अंदर बनाए, गर्मी में बना के एंजॉय करें, और मुझे बताइएगा कॉमेंट करके कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखें एक तरीके मैं इसको हिलाऊँगी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है,
मैं सोच रही थी कि अगर कलर नहीं आएगा तो फ्रूट्स कलर डालूंगी, लेकिन नहीं डालूंगी मैं कुछ भी, क्योंकि कुदरती इसमें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है, तो हम क्यों कलर का यूज़ करेंगे। देखिए इसको जलाना नहीं है, एक तरीका हिलाना है आपको। देखें आप लोग माशाल्लाह इसके अंदर एक बॉईल आ गया है, गैस को स्लो करके, और एक दो मिनट खाली इसको पकाना है। इससे क्या होगा, इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, आप एक वीक तक का फ्रीज में रख के इसको एंजॉय कर सकते हैं, और ये शक्कर भी हमारे को नुकसान नहीं करेगी, पकने के बाद में गला ख़राब नहीं होगा, ठीक है ना। माशाल्लाह ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। ये देखें बहुत ही स्मूदी ज़बरदस्ती बनके, अगर आपको ऐसा लगे तो आप इसको छान भी सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं छानी क्योंकि ये बिल्कुल स्मूद हो चुकी थी। अब गैस को कर देते हैं बंद और इसको करते हैं ठंडा। बस ये हो गई है परफेक्ट, 5 मिनट का ही टाइम है, और टाइम लगा के 5 मिनट ही खाली आप पकाना है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना बिल्कुल भी। अभी गैस को मैं बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा करते हैं। अच्छा यहाँ पर देखें, ये जो हमने बनाए थे तो ये अभी ठंडा हो चुका है, देखिए एकदम स्मूथ हो गए। इसके अंदर अभी हम यहाँ पे मैंने बर्फ़ डाली हूँ, तो पानी नहीं डाली हूँ क्योंकि ये बर्फ़ पिघलेगा तो ऑलरेडी इसके अंदर पानी हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। अगर आप ठंडे पानी का इसके अंदर यूज़ करेंगे तो बर्फ़ फिर नहीं डालिएगा, फिर वो एकदम पतला हो जाएगा तो ठीक अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम फ्रूटी जैसा बना रहे हैं तो थोड़ी इसमें थिकनेस रहेगी, जैसा बाहर आप पीते हैं माजा और फूटी। ये देखें इस तरीके का ये है ना टेक्सचर पूरा, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे देखें बहुत ही कम मैं ब्लैक सॉल्ट ली हूँ, क्योंकि मीठे के अंदर अगर जब नमक पड़ता है ना तो उसका टेस्ट बहुत ही अजब गजब का हो जाता है थोड़ा, तो एक ये रेडी है बनके। के माय यूट्यूब फैमिली, हमारी आज की रेसिपी बनके रेडी हो गई है। कैसी लगी आपको ये मैंगो फ्रूटी होममेड, ये देख सकते हैं आप लोग इसका टेक्सचर, ये देखें एकदम फ्रूटी जैसा है, कोई नहीं बोल सकता कि ये आपने घर पे बनाए हैं, और टेस्ट भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त आया हुआ है। देखें कलर भी इसका कितना प्यारा दिख रहा है, ये देखें। तो इस गर्मियों में बनाएं आप, और मुझे अपने कमेंट करके बताएं कि ये कैसी लगी रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर उसको अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिएगा, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगती है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप वीडियो देख के लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन हमें आपके लाइक और आपके प्यार भरे कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लेकर आए। तो थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली, जो आप हमें इतना सपोर्ट करते हैं देखते हैं, उसके लिए आप लोगों का दिल से थैंक यू सो मच। तो ये भी मेरी रेसिपी में आपको पसंद आएगी ज़रूर, तो शेयर करी हूँ मैंने आप लोगों के साथ में, आपके बच्चों के लिए, आपके फैमिली के लिए। फिर मिलती हूँ एक ऐसी रेसिपी के साथ में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इस माज़ा के साथ में करते हैं अल्लाह हाफिज़।